दुनिया की दो बड़ी ताकतों चीन और अमेरिका के दरमियान अगर कभी जंग हुई तो उसकी वजह ये छोटा सा जजीरा ताइवान होगा। ताइवान को चीन अपना हिस्सा करार देता है और जैसे जैसे चीन की ताकत बढ़ती जा रही है, ताइवान पर उसकी जारियत भी बढ़ती जा रही है। चीन वन चाइना के नाम से एक पॉलिसी पर अमल पैरा है। इस पॉलिसी का मतलब यह है कि दुनिया में एक ही चीन है। तो सवाल पैदा होता है कि क्या दुनिया में कोई और भी चीन है? अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो चीन की इस पॉलिसी को आप समझ सकेंगे कि दो नहीं एक ही चीन। 2005 में चीन ने एक और जारहाना कदम उठाया कि अगर ताइवान को चीन का हिस्सा बनाने के लिए उसे जंग भी करनी पड़ी तो करेगा। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका का ताइवान पर तो कोई दावा नहीं है, लेकिन अमेरिका चीन की इस सोच के शदीद खिलाफ है कि ताइवान उसका हिस्सा है। अमेरिका का कहना है कि ताइवान को हक है कि वो चीन के साथ नहीं मिलना चाहता तो एक आज़ाद मुल्क के तौर पर अपना वजूद कायम रखे। और अमेरिका बार बार इस बात का खुलेआम ऐलान कर चुका है कि चीन को किसी भी सूरत ताइवान को ज़बरदस्ती अपना हिस्सा नहीं बनाने देंगे। हालांकि ताइवान में अक्सरियत हान चाइनीज़ की है, फिर भी ताइवानी खुद को चीन का हिस्सा नहीं मानते। तो सवाल पैदा होता है कि चीन ताइवान पर यह दावा क्यों करता है कि ये चीन का हिस्सा है? आइए आज चीन के और ताइवान के आपस के मामलात को समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुजम्मल इदरीस। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को मोनेटाइज करने में मेरी मदद करें ताकि ये जो इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाता हूँ इनका कुछ आउटकम भी मुझे मिल सके। चीन के साल से लगभग 100 मील दूर ये ताइवान का जजीरा है। इसकी आबादी साल 2020 के मुताबिक तकरीबन 2,35,70,000 से ज़ायद है। इसका GDP 2024 में $792 बिलियन है। पाकिस्तान का GDP $375 बिलियन है। खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना अमीर मुल्क है और GDP के हिसाब से ये दुनिया का 21वां बड़ा मुल्क है। इसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इब्तदाई में मैंने बात की थी चीन की वन चाइना पॉलिसी की, तो वो पॉलिसी यही है कि दुनिया में एक ही चीन है और ताइवान चीन का हिस्सा है। अच्छा, इससे कबल कि मैं मज़ीद बात करूँ, ज़रा ये वजाहत कर दूँ कि ये ताइवान है जिसका ऑफिशियल नाम जमहूरिया चीन है और ये है अवामी जमहूरिया चीन। जब मैं वीडियो में मेन लैंड चीन कहूँगा तो इसका मतलब ये अवामी जमहूरिया चीन होगा, वही जो दुनिया भर में चीन के नाम से जाना जाता है। खैर, ताइवान भी खुद को चीन कहता है, जबकि बहुत अरसे तक ताइवान का कहना था कि मेन लैंड चीन उसका हिस्सा है, लेकिन आज चीन का कहना है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। उस ताइवान का कहना है कि वो चीन का हिस्सा नहीं है, जबकि ताइवान का खुद का नाम भी जमहूरिया चीन है। चीन और ताइवान के इन दावों को समझने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। तो आइए इन दोनों की तारीख को बहुत शॉर्ट लेकिन मुफस्सल अंदाज से समझते हैं। जब जंग अजीम दोम के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया तो ताइवान चीन को मिल गया। जापान इस पर 50 साल से काबिज था, जबकि यहाँ की आबादी चाइनीज़ थी और जापान के तसल्लुत से कबल भी ये चीन का ही हिस्सा था। जंग अजीम दोम के बाद ये दोबारा चीन को मिल गया और चीन में एक फौजी डिक्टेटर चेंग काई शेक ने चाइनीज़ नेशनलिस्ट पार्टी के ज़रिए से हुकूमती कंट्रोल संभाल लिया। ये हुकूमत थोड़ा ही अरसा कायम रही, एक सिविल वार चीन में शुरू हो गई। वैसे तो ये सिविल वार 1927 से चली आ रही थी, लेकिन जंग अजीम दोम के दौरान कुछ कम हो गई थी। अब जब जंग अजीम दोम ख़त्म हो गई तो चीन में ये सिविल वार फिर से शुरू हो गए। 1947 और 48 में इसकी शिद्दत ज़्यादा हो गई और ये जंग चीन के वसी तर इलाकों में फैल गई। इस जंग में दो पार्टीज़ थीं। इस जंग में एक तरफ चेंग काई शेक की आर्मी थी और दूसरी तरफ माओज़ेदुंग की कम्युनिस्ट सुरख आर्मी, जिसे रेड आर्मी भी कहते हैं। बिलाखिर अक्टूबर 1949 में माओ की रेड आर्मी ने चेंग काई शेक की आर्मी को शिकस्त दे दी और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से एक मुल्क कायम हुआ और इस पर माओ की हुकूमत कायम होगी। चेंग काई शेक भाग कर ताइवान चला गया, जो उस वक्त चीन का हिस्सा था। चेंग काई शेक के साथ बड़ी तादाद में वो लोग भी थे जो माओ के कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ थे। अब माओ ने चेंग काई शेक का पीछा करने के लिए ताइवान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इसी दौरान कोरिया में जंग शुरू हो गई। कोरिया में ये जंग भी कम्युनिस्ट और एंटी कम्युनिस्ट्स के दरमियान थी। उस वक्त दुनिया भर में कम्युनिस्ट्स को सोवियत यूनियन सपोर्ट करती थी और एंटी कम्युनिस्ट को अमेरिका और यूरोप। अब चूंकि कोरिया में ये जंग कम्युनिज्म पर थी,
अमेरिका ने एंटी कम्युनिस्ट्स का साथ दिया जबकि चीन और सोवियत यूनियन ने कम्युनिस्ट्स का साथ दिया। इसी दौरान चेंग काई शेक और अमेरिका के दरमियान भी इतिहाद बन गया क्योंकि चेंग काई शेक चीन में कम्युनिस्ट्स के खिलाफ था और मौजूदा तंग के खिलाफ लड़ चुका था। अब चूंकि अमेरिका और चेंग काई शेक के दरमियान इतिहाद कायम हो चुका था इसी वजह से माओ वो हमला ताइवान पर नहीं कर सके जिसकी प्लानिंग वो कर चुके थे। अब चूंकि अमेरिका का साथ चेंग काई शेक को मिल चुका था तो उसने ताइवान पर रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से हुकूमत बना ली और चेंग की इस डिक्टेटर रेजिम ने यह कहना शुरू कर दिया कि मेन लैंड चीन पर उनका हक है और वो मेन लैंड चीन को कम्युनिस्ट हुकूमत से आज़ाद करवाएंगे। अब दोनों साइड्स यानी माओ का मेन लैंड और चेंग काई शेक का ताइवान खुद को चीन कहलवा रहे थे, एक रिपब्लिक ऑफ चाइना और दूसरा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों का दावा था कि वो असली चीन है। चूँकि यूरोप और अमेरिका कम्युनिज्म के खिलाफ बरसरे पेकार थे तो उन्होंने इस चेंग काई शेक रिजीम की ताइवान में रिपब्लिक ऑफ चाइना को तस्लीम कर लिया। चेंग काई शेक की इस हकूमत को अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में चीन के नाम से रुकनीत मिली। लेकिन अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ था बल्कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग का माहौल शुरू हो गया और सर्द जंग के दौरान माओ के अवामी जमहूरिया चीन की अहमियत बढ़ गई। अब अमेरिका और यूरोप को चेंग काई शेक की ज़रूरत नहीं थी। 25 अक्टूबर 1971 को अक़वामी मुत्तहिदा में एक करारदाद भी पेश की गई कि माओ के अवामी जमहूरिया चीन को अक़वामी मुत्तहिदा में वाहद चीन की सीट दी जाए। अमेरिका इस करारदाद को रोक नहीं सकता था लेकिन चूंकि सर्द जंग के दौरान उसे चेंग काई शेक की बजाय माओ की ज़्यादा ज़रूरत थी इसलिए उसने ये करारदाद पेश होने दी और पास भी होने दी। अब माओ का अवामी जमहूरिया चीन दुनिया का एक वाहद चीन बन चुका था जिसे अक़वामी मुत्तहिदा ने रिकॉग्नाइज कर दिया था। अब कई खुफिया मुज़ाकरात के बाद 1979 में अमेरिका ने अपना सफारतखाना ताइपे ताइवान से बीजिंग मुंतकिल कर दिया। मतलब अब अमेरिका ने माओ के अवामी जमहूरिया चीन को ही असल चीन मान लिया। अब अवामी जमहूरिया चीन की कम्युनिस्ट रजीम के लिए वन चाइना प्रिंसिपल एक बुनियाद बन गया था कि एक ही चीन है और ताइवान उसका हिस्सा है। अब चूंकि दुनिया उन्हें तस्लीम कर चुकी थी इसलिए अब उन्होंने ताइवान को चीन में वापस लाने के लिए इकदाम शुरू कर दिया। लेकिन मगरबी ममालिक में अब भी ताइवान के लिए हमदर्दियाँ मौजूद थी पर उन हमदर्दियों का इजहार नहीं किया जाता था। अब ताइवान दुनिया में तनहा था लेकिन अभी हारा नहीं था। अब ताइवान ने अमेरिका की मदद के बगैर ही जीने के लिए अपने आप को इकोनॉमिकली मजबूत करने का फैसला किया। ताइवान में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हो गया। ताइवान के लोगों ने दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत शुरू कर दी और फिर एक मेड इन ताइवान का दौर शुरू हुआ। 1980s में ताइवान की बरामदात में हद से ज़्यादा इजाफा हो गया। अब ताइवान बरामदात की वजह से पैसा बना रहा था, उसके शहर जदीद से जदीद तर हो रहे थे। अब ताइवान चीन से मुआशी तौर पर ज़्यादा मजबूत हो चुका था। भले दुनिया के साथ ताइवान के सफारती तल्लुकात नहीं थे लेकिन मुआशी तल्लुकात कायम हो चुके थे इसलिए चीन फिर से ताइवान को अपने अंदर इमर्ज करने से कासर हो चुका था क्योंकि ये एक प्रिंसिपल है कि दुनिया मुआशी तल्लुकात को सफारती तल्लुकात पर और जज्बात पर ज़्यादा अहमियत देती है। काश पाकिस्तान भी इस फिलॉसफी से समझे। खैर अब चीन ने भी फैसला कर लिया कि मुआशी तौर पर ताइवान से ताल्लुकात बनाए जाएं। चीन ने ताइवानी बिजनेसमैन को अपनी तरफ माइल करने के लिए उनके लिए पॉलिसीज बनानी शुरू कर दी। चूँकि ताइवान में रहने वाले हान चाइनीज़ ही थे इसलिए बहुत से ताइवानी कंपनियों ने चीन में अपने बिजनेस सेट करने शुरू कर दिए। अब चीन ने जारियत की बजाय ताइवान को मुआशी तौर पर अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करने की ठान ली। ये जो पॉलिसी मुआशी तौर पर मफलूज करने की या मुआशी तौर पर इस कदर जकड़ने की पॉलिसी थी ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी। इस पॉलिसी में वक्त तो लगना था लेकिन अल्टीमेटली वो गोल के ताइवान मेनलैंड चीन के साथ इमर्ज हो जाए अचीवेबल था। चीन ने दोनों इकोनॉमीज़ को इस कदर एक दूसरे के साथ जोड़ना शुरू कर दिया कि अगर ताइवान कभी भी कोई फैसला कौन स्टेप ले और दुनिया ताइवान को एक अलग मुल्क तस्लीम कर ले तो मुआशी तौर पर ताइवान के लिए ऐसा करना खुदकशी के मुतरादफ हो। इसलिए ताइवान की हुकूमत मेनलैंड चाइना के साथ किसी भी किस्म के इलाहा के लिए मजबूर हो जाए यानी वो अकेले सर्वाइव ना कर पाए। लिहाजा दोनों ममालिक में डायरेक्ट ट्रेड हवाई और समंदरी तल्लुकात भी बढ़ने शुरू हो गए। अब माशी तल्लुकात तो बढ़ने शुरू हो गए थे लेकिन ताइवान और मेनलैंड चीन के माबैन सकाफती खलीज बननी शुरू हो गई थी। 1986 में ताइवान में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाई गई।
इन रिफॉर्म्स के नतीजे में अब मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की इजाज़त मिल गई। लिहाजा 28 सितंबर 1986 को एक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नाम से एक नई पार्टी बनी, इसे DPP भी कहा जाता है। इस पार्टी ने एक आज़ाद ताइवान के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी और इसकी सियासत का महवर ही आज़ाद ताइवान का वादा और नारा था। दो साल बाद ही 1988 में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के ली टैंग हुई ताइवान के सदर बन गए, जिन्हें मिस्टर डेमोक्रेसी का लकब दिया गया। मिस्टर डेमोक्रेसी इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने आने वाले वक्त में ताइवान में डेमोक्रेसी के लिए और वहां के अवाम के हकूक के लिए बहुत काम किया। इसके अलावा ली टैंग हुई वो पहले सदर थे जो ताइवान में ही पैदा हुए थे। इससे कबल जितने भी हुक्मरान गुजरे थे उनकी पैदाइश मेनलैंड चाइना में हुई थी। खैर, ली टैंग ने 1991 में पहली बार नेशनल असम्बली के आम इंतखाबात करवाए। पिछले सिर्फ 10 सालों में ही ताइवान को एक मुकम्मल जमहूरियत बना दिया। अब अवाम अपने पॉलिटिकल निज़ाम पर बहुत खुश थे कि उनकी मर्ज़ी के लोग बरसरे इक्तदार थे। अब लोगों को अपनी एक अलग शनाख्त का एहसास भी होना शुरू हो चुका था। 1996 तक बीजिंग को भी एहसास होना शुरू हो गया था कि अब मुआशी तौर पर ताइवान को जकड़ने का प्लान भी नाकाम होता जा रहा है, क्योंकि लोग चीन के खिलाफ अपना गुस्सा एंटी चाइना पार्टीज को वोट देकर निकाल रहे थे। दूसरी तरफ चीन की आर्मी की ताकत भी बतदरीज बढ़ रही थी, लिहाजा चीन ने ताइवान को आर्मी की ताकत के बलबोते पर डराना धमकाना शुरू कर दिया। 1996 में चीन ने ताइवान के साहल पर मिसाइल टेस्ट किए, जो ताइवान को वाजे पैगाम था कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा बनाने के लिए फौजी ताकत भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा ये मिसाइल इसलिए भी थे कि लोग इलेक्शन में ली टैंग को वोट ना दें, क्योंकि ली टैंग ताइवान की खुद मुख्तारी की बात करते थे। इन मिसाइल टेस्ट की वजह से अमेरिका और मगरब ने भी चीन के खिलाफ रद्द दिया और अमेरिका ने अपने 7 जंगी फ्लीट ताइवान की हिफाजत के लिए तैनात कर दिए। चीन को भी इस बात की समझ आ गई कि अमेरिका ताइवान पर किसी भी किस्म के हमले का रद्द अमल देगा, लिहाजा उसने हमले की गलती नहीं की। पर चीन ताइवान में मुदाखलत से बाज नहीं आया। चीन के दावे हमेशा यही रहे कि वो पूरा अंदाज से ताइवान को चीन में शमूलियत का हामी है, लेकिन 2005 में चीन ने ताइवान की इलाहदगी के खिलाफ एक कानून पास किया कि अगर कभी ताइवान ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया तो वो उस पर हमला कर देगा। यानी ताइवान कभी भी एक आज़ाद मुल्क ताइवान बना तो उसको जंग का सामना करना पड़ेगा। और चीन के जारहाना इकदाम का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जिस दिन भी ताइवान ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया और अक़वामे मुत्तहिदा और दूसरे ममालिक ने उसे एक आज़ाद रियासत तस्लीम कर दिया, उस दिन चीन के सदर के लिए कानूनी तौर पर ज़रूरी हो जाएगा कि वो ताइवान पर हमला कर दे। यही वजह है कि ताइवान ऑफिशियली जमहूरिया चीन का नाम इस्तेमाल करता है। चीन का एंटी सेसेशन कानून को पास करने का मकसद ताइवानी अवाम को खौफजदा करना था, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। अब ताइवान के लोग आम तौर पर इस पर बात करना शुरू हो गए कि जो मुल्क उन पर हुकूमत ना होने के बावजूद इतनी पाबंदियाँ लगा रहा है वो उस वक्त क्या करेगा जब वो उस मुल्क के मुकम्मल तसल्लत तले चले जाएंगे। इसकी वजह से भी एंटी चाइना सेंटीमेंट्स ताइवान के लोगों में बढ़ने लगे। लोगों ने चीन के साथ तजारती तल्लुकात भी ख़त्म करने के लिए तहरीकें शुरू कर दी। 2014 में सनफ्लावर नाम से एक मूवमेंट शुरू हुई। इस तहरीक ने एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज के शुरुका ने पार्लियामेंट पर भी कब्जा कर लिया और मुतालबा किया कि चीन से आज़ादाना तजारत के मुआहदे ख़त्म किए जाए। लोग मुआहदे को ख़त्म करने की दलील दे रहे थे कि चीन एक आमराना निज़ाम वाला मुल्क है जो उनके हकूक को सलब करना चाहता है। चीन को एक मुत्तहिदा चीन का हक हासिल है, लेकिन ताइवान को मुत्तहिदा चीन का हिस्सा ना समझे। अपनी आज़ादी के लिए अगर मुआशी बेनिफिट्स तर्क करने भी पड़े तो हुकूमत को ये मुआहदे ख़त्म कर देने चाहिए, जो 1980s में चीन ने ताइवान को मुआशी तौर पर जकड़ने और जकड़े रखने के लिए किए थे। अब अवाम के इस कदर वाज़े एहतजाज और इकदाम की वजह से चीन की वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी नाकाम हो गई जो उसने मुआशी तौर पर ताइवान को मजबूर करने के लिए 1980s में बनाई थी कि वो चीन के साथ इल्हाक कर लेगा। मजीद ये कि 1990 से अब तक उन लोगों की तादाद भी कम होती जा रही थी जो हान होने की वजह से खुद को चीनी कहते थे, जबकि उन लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा था जो हान चाइनीज़ होने के बावजूद भी खुद को ताइवानी कहते थे। उनकी तादाद 60% से भी ज़्यादा हो चुकी थी। इसी वजह से साल 2016 में आज़ाद ताइवान के नारे पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी DPP की तसाई एंग बिन
को कामयाबी मिली। वो ताइवान के सदन मुंतखब हो गई। फिर चीन के एक और आमराना इकदाम की वजह से भी ताइवानी चीन से बदजन होने लगे। हुआ ये कि 2019 में हांगकांग में लाखों लोगों ने जमहूरियत के हक में और हांगकांग की आज़ादी के खिलाफ चीन के बढ़ते हुए इकदाम के खिलाफ मुजाहरे किए। चीन ने जिस तरह उन मुजाहरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया, उसकी वजह से भी ताइवान में चीन के साथ इलहाक के मुखालफीन की तादाद बढ़ने लगी। लोगों ने मुवाजना करना शुरू कर दिया कि कैसे उन्हें हर तरह की जमहूरी आज़ादी ताइवान में हासिल है, लेकिन अगर वह चीन में शामिल हो गए तो उनके जमहूरी हकूक भी सलब कर लिए जाएंगे, जैसा कि हांगकांग में जो अभी आधी जमहूरियत है वहाँ लोगों के हकूक चीन सलब कर रहा है। खुद ताइवान के ये सदर ने वाजे कहा कि ताइवान कभी भी ऐसे सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। चीन ने जितना ज़्यादा ताकत के ज़ोर से ताइवान को अपना हिस्सा बनाना चाहा, ताइवान के लोग उतना ही चीन के खिलाफ होते गए। अब जबकि चीन ताइवान की मेन लैंड चीन में शमूलियत की हर तरह की कोशिश कर चुका और उसमें नाकाम हो गया, तो एक ऑप्शन बचा है, वो है फौजी मुदाखलत, फौजी इकदाम, यानी ताइवान पर हमला करके उसे हड़प लिया जाए। जबकि अमेरिका का कहना है कि वो हर कीमत पर ताइवान की हिफाजत करेगा, लिहाजा अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो वो चीन और अमेरिका के बराह रास्त जंग का सबब बनेगा, क्योंकि अब चीन अमेरिका के बराबर एक सुपर पावर बन चुका है। लिहाजा अमेरिका को भी डर है कि अगर इसकी ताकत मजीद बढ़ी तो ये दुनिया की वाहत सुपर पावर बन जाएगी। इसलिए हर उस मुल्क के साथ अमेरिका तआवुन करता है जो चीन के खिलाफ खड़ा है। जबकि चीन एक ऐसी आमराना पार्टी के कंट्रोल में है जो चाइनीज़ की प्राइवेसी को तो इंटरप्ट कर ही रही है, लेकिन वो हर उस मुल्क को हड़पना चाहती है जिस मुल्क में कोई थोड़ी बहुत आज़ादी बाकी है और कुछ जमहूरियत है, जिसकी मिसाल ताइवान है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्तों में क्या होता है, क्या चीन और चीन के सदर और चीन की पार्टीज और चीन की आर्मी उन जारहाना इकदाम को कंटिन्यू करती है या नहीं, क्या चीन अमेरिका के साथ जंग का खतरा मोल लेता है या नहीं, अमेरिका किस हद तक ताइवान को सपोर्ट करेगा जबकि खुद अमेरिका बहुत सारे ममालिक को ये चीज़ बावर करवाने में नाकाम रहा है कि ताइवान एक आज़ाद मुल्क है। ये थी तफसील कि कैसे दुनिया में दो चीन बने और कैसे दोनों ही एक दूसरे पर अपना हक जतलाते रहे, कैसे चीन का एक हिस्सा उससे अलग हुआ, अलग होने के बाद आज़ाद होने के बावजूद भी आज़ाद नहीं है। आपकी क्या राय है कि अमरीका की ताइवान के गिर्द मौजूदगी के बावजूद भी चीन ताइवान पर हमला कर देगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।